आज की इस वीडियो में हम जीारत करेंगे मक़ाम इब्राहिम की काबे की ये तीसरी जीारत है ये जो है आपको जो काबा नज़र आ रहा है इस काबे के सामने ये जो सोने की जाली है इस सोने की जाली में ये जो पत्थर नज़र आ रहा है आपको खौल में इसे मक़ाम इब्राहिम कहते हैं मक़ाम इब्राहिम वो पत्थर है जिसमें इब्राहिम आलाम के पैरों के निशान मौजूद है ये पैरों के निशान उस वक्त बने थे जब इब्राहिम आसाम काबे की तमीर जो है अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे कुरान मजीद में इसका जिक्र दो जगह पर आता है सूर्य बकरा की आयत नंबर 125 में मुकाम इब्राहिम के बारे में कहा गया है कि जब तुम काबे की ता, मुकम्मल तामीर कर लो तो इब्राहिम सलाम और इस्माइल सलाम से कहा गया कि इस मुक़ाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ और यहाँ पर जो भी तवाफ़ के लिए आएगा इहतकाफ़ के लिए आएगा सजदा या रुकू के लिए आएगा उसके लिए इस जगह को तुम पाक रखो दूसरी जगह कुरान में इसका जिक्र मिलता है सूर्य इमरान की आयत नंबर सत्यनो में जिसमें कहा गया कि ये मक्के की रोशन निशानियों में से एक है जो इस अल्लाह के घर में आ गया और यहाँ पर आ गया वो अमन में आ गया इस तरीके से इसलिए जो भी हाजी हजरात उमरे के लिए जाते हैं और इसका तवाफ करते हैं तो मुकाम इब्राहिम के पीछे दो रकात नमाज वो ज़रूर अदा करते हैं यह है दोस्तों मुकाम इब्राहिम अल्लाह ताला सबको इसकी भी ज्यारत नसी